हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो फ्रेंड्स आप? फ्रेंड देखिए, मैं आज आपके लिए एक कितना सुंदर सा डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर डिजाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर डिजाइन है। उल्टी तरफ से ये डिजाइन इस तरह दिखता है और सीधी तरफ से ये डिजाइन इस तरह दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना आसान भी। नए सीखने वाले भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये देखो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज स्वेटर में डालें, बच्चों के ड्रेस, जैकेट, मफलर, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। काफी सुंदर बन के ये डिजाइन आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तेरी नकते बताती हूँ कि मैंने ये डिजाइन किस तरह बनाया हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो दो फंदों का डिजाइन है और चार सिलाइयों का ये डिजाइन है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कुछ फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए, अब मैं बताती हूँ कि कैसे बनाएंगे। पहला फंदा उतार लिया, एक दो। ये जो सिलाई है पूरी, फर्स्ट रो जो है राइट साइड से, ये पूरी सीधी करके हमने बनानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने पूरे फंदे सीधे करके बनाने हैं। ये हमारे पूरे फंदे सीधे करके बन गए उल्टी तरफ से, रॉन्ग साइड। पहला फंदा उतारा, दूसरा, तीसरा। इसी तरह आपने रॉन्ग साइड से दूसरी रो जो है वो भी पूरी उल्टी बनानी, प्लेन बनानी है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, सेकंड रो बनके थे। अब थर्ड रो, पहला फंदा उतार लिया। अब ये दो फंदे हैं, यहाँ बीच में एक फंदे के बाद हमने सिलाई डालनी है और एक फंदा ऐसे निकालना है। फिर हमने ये दो फंदे जो हैं, एक फंदा ये और एक ये, दो फंदे जो हैं ये इकट्ठे एक कर देने हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह। फिर हमने फंदे छोड़ देने हैं। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदे हैं, दो फंदों में बीच में सिलाई डाली, एक फंदा निकाल लिया। ठीक है, अब हमने इन दो फंदों को इकट्ठे ऐसे, हमने दो फंदों को इकट्ठे करके ऐसे बना के फंदा निकाल लेना है। फंदा नहीं निकल रहा था। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा मैंने टाइट सा बनाया हुआ है तो फंदे निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। ये देखिए फ्रेंड, दो फंदों में बीच में सिलाई डाली इस तरह, और ये दो फंदे लिए हमने ऐसे, ये सीधी तरफ की, ये ऐसे। ये देखिए, ये दो फंदों के दो फंदे ये बनाए, दो फंदों के ये दो फंदे, ये देखो दो फंदे। ये देखिए फ्रेंड, ये दो फंदे जो है यहाँ बीच में सिलाई डाली, इस तरह एक फंदा निकाला, फिर इन दोनों फंदों में ऐसे सिलाई डाली सीधा करके। अब इन्हें भी ऐसे करके हमने बना लिया, ये फिर छोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड, ऐसे फंदा बनाया और इस तरह हमने फंदा बना के छोड़ दिया।
ये दो फंदे के दो फंदे, यहाँ सिलाई डाली, एक फंदा निकाला, अब इन दोनों फंदों में सिलाई डाली और इस तरह फंदा निकाल लिया। ये देखिए फिर छोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा बनाया, अब हमने इन दो फंदों में सिलाई डाल के इस तरह बना लिया और फिर हमने छोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे फंदा निकाला, ये फंदा निकाल लिया और इन दो फंदों में हमने इस तरह सिलाई डाल ली और ये फंदा निकाल लिया फिर छोड़ दिया ऐसे। ये ऐसे ठीक है, एक फंदा निकाला, ऐसे छोड़ दिया, एक फंदा निकाला और ये दो फंदे छोड़ दिया, एक फंदा निकाला, दो फंदे, ये लास्ट वाला फंदा। ये हमारी थर्ड रो बन गई, फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा उतार लिया, धागा बाहर किया। ये देखो फ्रेंड्स, अब ये फंदे जो हमारे जोड़े जोड़े में दिख रहे हैं, ये देखो ऐसे दो दो में दिख रहे हैं, तो हमने क्या करना, अब ये दो ऐसे दो फंदों के पास सिलाई डालनी है और ऐसे फंदा निकालना है, फिर इन दोनों फंदों को ऐसे सीधा करके ऐसे बना देना, फिर फंदा छोड़ देना। ये देखिए फ्रेंड्स, दो फंदों के बाद सिलाई डाली, फंदा निकाला और फिर इन दोनों फंदों को एक साथ, दो फंदों के हमने दो फंदे बना दिए। ये देखिए फ्रेंड, दो फंदों के बाद सिलाई डाली, फंदा निकाला और इन दोनों फंदों को बना दिया। ये देखिए, दो फंदों के बाद सिलाई डाली, फंदा निकाला और ये फंदा बना दिया। ये देखिए ऐसे फंदा निकाला और ये इस तरह दो फंदों के बाद फंदा निकाला और ये दोनों को एक कर दिया। ये देखिए फ्रेंड, जोड़े जोड़े में दिख रहे हैं आपको, ऑलरेडी जोड़े जोड़े में दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी फिर दो दो दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे फंदा निकाला, ऐसे ये फंदा सिलाई डाली, फंदा निकाला और इन दो को एक कर दी। ये देखो फ्रेंड, दो फंदों बाद सिलाई डाली, फंदा निकाला और ये इस तरफ फंदा छोड़ दिया। ये देखिए इस तरह, दो फंदों के बाद सिलाई डाली, फिर फंदा निकाल के इन दो फंदों को एक और ये लास्ट वाला। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डिजाइन जो है, चार सिलाइयों का हमारा डिजाइन है, जो हमारा डिजाइन बन के तैयार हो गया। ये देखिए, फिर हमने क्या करना है आगे, अब सीधी सिलाई देनी है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, ये हमारी फिफ्थ रो जो है फर्स्ट रो की तरह बनेगी। ये देखिए, ये हम पूरे फंदे अब सीधे करके बनाएंगे। ये पूरे फंदे हम अलग अलग करके सीधे करके, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह डिजाइन दिखता है। छठी सिलाई, सिक्स रो उल्टी तरफ से, जैसे हमने सेकंड रो बनाई है उसी तरह हमने इसको भी पूरी प्लेन करके बनाना है।
ये हमारी 6 रो बन गई। अब फ्रेंड्स मैं दोबारा बताती हूँ कि डिजाइन किस तरह बनेगा, ठीक है। ये देखो अब हमारी 7th रो जो है वो 3rd सिलाई की तरह बनेगी। पहला फंदा उतार लिया, अब ये दो फंदे जो हैं यहाँ सिलाई डालनी है और ऐसे फंदा निकालना है, फिर इन दो फंदों को हमने एक करके बना देना है, फिर छोड़ देना है। ये देखो ऐसे सिलाई डाली, ऐसे फंदा निकाला और ये ऐसे फंदा निकाल के इसको छोड़ दिया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स दो फंदों के बीच में सिलाई डालनी है और फंदा निकाल के इन दो फंदों को सीधी तरफ हमने एक कर देना है। ये देखो, देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरी रो जो है इसी तरह बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी 7th रो जो है 3rd रो की तरह बन गई। 8th रो 4th रो की तरह बनेगी। अब देखो फ्रेंड्स पहला फंदा हमने निकाल दिया, अब हमने क्या करना फ्रेंड्स, ये दो फंदों के बाद ये देखो हमारे जोड़े जोड़े में दिख रहे हैं, तो दो फंदों के बाद हमने सिलाई डाल के इन दो को एक कर लेना है। इस तरह हमने सिलाई डालनी है और ये एक कर लेना है, इस तरह दो फंदों से पीछे सिलाई डाल के फंदा निकाल के दो के हमने दो ही फंदे बना देने दोबारा। ये देखिए फ्रेंड्स दो फंदों के हमने दो ही फंदे बना देने। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन बनके तैयार हो गया। अब आपने एक सिलाई पूरी सीधी देनी है, फिर एक सिलाई पूरी उल्टी देनी है, फिर उसके बाद ये दोबारा से डिजाइन बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर डिजाइन है और बनाने में आसान भी है। मैंने पहले बताया जो नए सीखने वाले हैं वो भी आसानी से इस डिजाइन को बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप चाहे जेंट्स स्वेटर में डालें, लेडीज स्वेटर में डालें, बच्चों के ड्रेस में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। काफी सुंदर बन के ये डिजाइन आता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।